नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 60 विधानसभा सीटों वाले त्रिपुरा में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। आज सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस बार अलग अलग पार्टियों के 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला राज्य के 28,13,000 मतदाता करने वाले हैं। लेकिन इस सबके बीच एक खास बात यह है कि साल 2018 में प्रदेश में अपना सूपड़ा साफ करवा चुकी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इस बार भी प्रचार के मैदान से दूर ही नजर आए। एक ओर जहां बुधवार को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्कीइंग करते हुए दिखाई दिए, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का त्रिपुरा पहुंचना टलता रहा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदान से एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने गुलमर्ग में बर्फ का लुत्फ उठाया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फोटोज और वीडियोज में उन्हें स्कीइंग करते हुए देखा भी जा सकता है। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से के समापन के बाद वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। बीते एक महीने में राहुल गांधी दूसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। इससे पहले जनवरी के आखिर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान भी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आए थे। मंगलवार को ही त्रिपुरा में प्रचार अभियान थम गया था। इस चुनाव से केवल राहुल ही नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी नदारद रहीं। खबर है कि पार्टी के तीनों ही बड़े नेताओं ने किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की त्रिपुरा यूनिट ने प्रचार के लिए खड़गे, पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ नेताओं और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं से संपर्क साधा था, लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंचा। हालांकि अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल के सांसद दीप दास मुंशी, प्रदेश प्रभारी अजय कुमार कुछ रैलियों में शामिल जरूर हुए। पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव की निगरानी का जिम्मा असम के सांसद अब्दुल खलीक, अरविंदर सिंह लवली और मुकुल वासनिक को सौंपा गया था, लेकिन ये नेता भी केवल त्रिपुरा में एक ही दिन के लिए नजर आए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का आला कमान त्रिपुरा में अपनी पार्टी की स्थिति को लेकर बिल्कुल भी गंभीर या चिंतित नहीं है? क्या त्रिपुरा का चुनाव राहुल गांधी के लिए कोई मायने नहीं रखता? 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो उस वक्त त्रिपुरा की 60 सीटों में से कांग्रेस ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की 58 सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई थी। इस बार कांग्रेस ने CPIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। सीट बंटवारा हुआ, उसके मुताबिक कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि वाम दल जो हैं उन्होंने 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें CPM 43 सीटों पर मैदान में है, फॉरवर्ड ब्लॉक, CPI और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी एक एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। त्रिपुरा में कांग्रेस की हालत पतली होने के बावजूद राहुल गांधी के निष्क्रिय रहने पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।